हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसा पिछले मैसेज किया और पर्सनल ईमेल में मुझे भेजा कि प्लीज़ आप लोग हिंदी में भी थोड़ा डिस्कस कीजिए, तो आज हम ये वीडियो आपके साथ हिंदी में भी कुछ शेयर करेंगे। बट एब्रीविएशन फुल फॉर्म ऐसा कुछ हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप लोग जो भी है इसमें हिंदी इंग्लिश की कोई, चूँकि इंग्लिश में ही आपको सारे एब्रीविएशन आता है जो भी, तो आप लोग उस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। पहली चीज़, फुल फॉर्म कोई पूछा जाता है तो इंग्लिश में पूछा जाता है, हिंदी में कोई फुल फॉर्म होता नहीं है। तो आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे सारे के सारे इंग्लिश में ही आते हैं और फुल फॉर्म जो है इंग्लिश में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कीजिएगा। हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं होता, बाकी मैं ट्राई करूँगा हिंदी में वीडियो बनाने का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें 82 क्वेश्चन हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वट इज़ एम आर एस? तो एम आर एस का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एम आर एस का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी नीचे देख सकते हैं। कहता है कीपिंग यूटिलिटी लेवल इंटैक्ट बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ यूजेस। कीपिंग यूटिलिटी लेवल इंटैक्ट बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ यूजेस। इसका कहने का मतलब जितना आप यूटिलिटी लेवल को जितना आप इंटैक्ट में रखोगे किसके द्वारा, तो जब आप मैग्नीट्यूड जो आप जितना यूज़ कर रहे हैं ना उसके मैग्नीट्यूड को, उसके बदलने के मैग्नीट्यूड, मतलब यूजेस चेंजिंग ऑफ यूजेस ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडीपी का फुल फॉर्म, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो दिस इज द नेट वैल्यू। तो व्हाट इज जीडीपी? दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन एनी इकोनॉमी। इट इज द नेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इन एनी इकोनॉमी। इंडिया स्टैंड्स एट नंबर 5 इन टर्म्स ऑफ नेट जीडीपी इन द वर्ल्ड। ऑन अदर हैंड इंडियाज फिस्कल डिफिसिट इज 3.8। तो इसमें ये कह रहा है कि इसका वैल्यू ये होता क्या है एक्चुअल में, जीडीपी क्या होता है? ये एक नेट वैल्यू होता है किसका, प्रोडक्ट और आपका सर्विसेज का किसी भी इकोनॉमी में। तो भारत का जो अभी रैंक है नेट जीडीपी में पूरे वर्ल्ड में वो है 5वां रैंक है, और दूसरे साइड जो इंडिया का फिस्कल रेट है, फिस्कल डिफिसिट रेट, वो है 3.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is full form of IMF? तो इसका सही आंसर होगा International Monetary Fund। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। और ये किस साल इस्टेब्लिश किया गया था? 1945 ईस्वी में। और अभी जो करेंट चीफ इकोनॉमिस्ट है वो है गीता गोपीनाथ, और एमडी जो है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ आई आई? तो इसका सही आंसर होगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FII फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इसका एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस जो डिपार्टमेंट है आपका FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी संस्थान से आप जो सिक्योरिटी परचेज करते हो और किसी भी टाइप का आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री में इसका उद्देश्य होता है कि आपको सुरक्षा प्रदान करना, जो आप परचेज करते हो सिक्योरिटी और जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसको मेनली रूप से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एडीबी? एडीबी का फुल फॉर्म है एशिया डेवलपमेंट बैंक। एशिया डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। और 68 कंट्रीज आर
मेंबर एंड करेंट प्रेसिडेंट इज मासातुगु असाकावा। मासातुगु असाकावा इनके अभी करेंट प्रेसिडेंट है। किनके? एडीबी के। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MICR? MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये MICR होता कहाँ है एक्चुअली? जब आप बैंक का चेक देखेंगे तो उसमें 9 डिजिट का जो होता है ना, एक कोड होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं MICR। तो जो फर्स्ट थ्री, जो 9 डिजिट कोड होता है उसमें फर्स्ट थ्री, जो 3 डिजिट होता है उसमें वो 3 डिजिट सिटी कोड होता है, अगला जो 3 डिजिट होता है वो बैंक का कोड होता है, और अगला जो 3 डिजिट होता है वो है ब्रांच का कोड, ठीक है। यानी फर्स्ट जो आपका फर्स्ट 3 डिजिट है वो किसका होता है? सिटी कोड, ये सिटी कोड होता है। और जो सेकेंड 3 डिजिट वो किसका होता है? बैंक कोड होता है वो। और जो थर्ड 3 डिजिट होता है वो किसके लिए होता है? ब्रांच कोड होता है वो ब्रांच कोड होता है। तो MICR नंबर टोटल जो होता है वो 9 डिजिट का होता है, टोटल 9 डिजिट। तो 9 डिजिट में जो फर्स्ट 3 होगा सिटी कोड, दूसरा सेकंड जो होगा वो है बैंक कोड, और तीसरा जो 3rd डिजिट होगा वो है आपका ब्रांच कोड। तो MICR हम लोग जनरली चेक पे ही देखते हैं, किसी भी बैंक का चेक देखोगे उसमें MICR नंबर रहता है 9 डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ACN? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ACN? ACN का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में, ठीक है। अभी करंट सेक्रेटरी इनके कौन है? करंट सेक्रेटरी जनरल हैं आपके लिम जॉक HOI, लिम जॉक HOI। इसमें मेंबर कितने होते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन में टोटल 12 मेंबर होते हैं। इसमें 12 मेंबर्स होते हैं, और जिसमें से जो 10 होता है वो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एंड 2 जो होते हैं वो ऑब्जर्वर्स होते हैं। 12 में से जो होते हैं वो 10 जो है आपका फुल टाइम मेंबर होते हैं, और जो 2 है तो 2 होते हैं ना वो ऑब्जर्वर होते हैं। तो टोटल 12 होते हैं, 12 में से 10 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 2 जो होते हैं ऑब्जर्वर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NDTL? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NDTL? तो NDTL का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटीज। तो NDTP होता क्या एक्चुअल में? NDTL इज सम ऑफ वेरियस डिमांड्स एंड टाइम लेबिलिटीज ऑफ एनी बैंक विद पब्लिक एंड वेरियस अदर बैंक्स। ये NDTL जो होता है वो है आपका, जैसे बहुत सारे डिमांड्स होते हैं, ये NDTL एक सम होता है। किसका सम होता है? तो वेरियस डिमांड्स प्लस जो समय की आपकी लेबिलिटीज होती है, टाइम लेबिलिटीज वो होती है। तो टोटल ये NDTL होता क्या है? तो NDTL जो होता है किसका जोड़ होता है, सम होता है वेरियस डिमांड एंड द लेबिलिटीज ऑफ एनी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NBFC? व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ NBFC? तो NBFC फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो NBFC इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। तो ये कब बना था? NBFC जो है एक रजिस्टर्ड कंपनी है, द किसके अंडर में? तो कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NEFT? ये शायद आप लोगों को पता भी होगा NEFT का फुल फॉर्म, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये हम कहाँ यूज करते हैं? इट इज द मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस। देयर आर 3 मोड्स, NEFT, IMPS एंड RTGS। सो NEFT इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रांसफर सिस्टम। ये आप लोग शायद जानते होंगे, थोड़ा हल्का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज LEF? LEF क्या होता है? LEF होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी
एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये यूज कहाँ किया जाता है? तो लैफ इज यूज टू हेल्प बैंक्स इन एडजस्टिंग द डे टू डे फ्लैक्चुएशन इन लिक्विडिटी। जो फ्लैक्चुएशन दिन बाय दिन बैंकों में होता है, तो बैंक वालों को मदद थोड़ी करने के लिए हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यूज करते हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बोल्ट? व्हाट इज बोल्ट, फुल फॉर्म क्या होता है बोल्ट का? होता है बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग। बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग, बीएसई क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें क्या कहता है कि बीएसई जो है वो एशिया का, बीएसई एशियाज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। इट वाज फाउंडेड इन ईयर 1877 एंड करेंट चेयरमैन इज विक्रमजीत सेन। बीएसई जो है वो मुंबई में ही, मुंबई में आपको पता होगा सर, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। वो कब स्थापित किया गया था? तो 1870 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और अब इसके करंट चेयरमैन कौन है? विक्रमजीत सेन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसईबीआई? एसईबीआई क्या होता है? एसईबीआई होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आखिर ये एसईबीआई काम कैसे करता है? तो एसईबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1992 एंड करेंट चेयरमैन इज अजय त्यागी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हो गई थी आपकी 1992 में, और इसके चेयरमैन जो है कौन है? इसके चेयरमैन है आपके अजय त्यागी। इसके करंट चेयरमैन है अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ WPI? WPI क्या होता है? WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो WPI होता क्या है? तो WPI एंड CPI आर टू पैरामीटर्स टू चेक चेंजिंग प्राइस ऑफ वेरियस कमोडिटीज। WPI स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड CPI स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो WPI मेजर्स एवरेज चेंज इन प्राइस व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन बल्क। ऑन अदर हैंड CPI मेजर चेंज इन प्राइस व्हेन गुड इज डायरेक्टली सोल्ड टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज BCBS? तो BCBS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। बेसल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, इसका आखिर उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य BCBS का जो था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो बैंकों में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं इसका सुपरविजन करना, यानी इसका सुपरवाइज करना। मेन ऑब्जेक्टिव बस इसका बेसिल का यही था। और इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? सेंट्रल बैंक के द्वारा ही स्थापित किया गया था, ठीक है। और G10 कंट्रीज, और ये जो आपके गवर्नर्स होते G10 के कंट्रीज के, वो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। और G10 के मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, UK, USA, स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ RRB? RRB का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक। ये आप लोग RRB का पेपर भी देते होंगे, वो रेलवे बोर्ड वाला नहीं है, ये रीजनल रूरल बैंक का ही है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो जब नरसिम्हा कमिटी वाज फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट विच रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ RRB इन 1975। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ RTGS? अभी पिछले क्वेश्चन मैंने NEFT का पढ़ा था,
यहाँ पे पूछ रहा है आरटीजीएस, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसकी मिनिमम लिमिट कितनी होती है आरटीजीएस की? 2 लाख। ये भी एक बैंकिंग ट्रांसफर, जब आप अमाउंट ट्रांसफर करते हो, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, तो 3 मोड्स में से जैसे IMPS, RTGS और NEFT। तो NEFT हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे अब RTGS है। तो RTGS का फुल फॉर्म होता है क्या? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसकी मैक्सिमम जो मिनिमम लिमिट होती है वो होती है 2 लाख की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ BPLR? BPLR क्या होता है? बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, उसको कहते हैं BPLR इन शॉर्ट। तो BPLR होता क्या है? तो BPLR इज द स्पेशल इंटरेस्ट रेट, BPLR इज द इंटरेस्ट, स्पेशल इंटरेस्ट रेट फॉर कस्टमर्स हु हैव गुड क्रेडिट रिकॉर्ड्स, हु हैव गुड क्रेडिट रिकॉर्ड्स। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड किस बिहा पे मिलता है? जैसे आप बैंक के कस्टमर हो तो आपकी जो क्रेडिट स्कोर होती है उस बिहा पे आपको क्रेडिट कार्ड स्कोर इशू किया जाता है। तो इसी में जो BPLR होता है वो एक स्पेशल इंटरेस्ट रेट होता है उस कस्टमर्स के लिए जिनका बैंक में क्रेडिट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ CCIL? व्हाट इज मीनिंग ऑफ CCIL? तो CCIL का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लियरिंग ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियरिंग ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपका 2001 में। ठीक है, और किस लिए की गई थी? तो फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव मार्केट्स, डेरिवेटिव मार्केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CBS? CBS क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब सारे बैंकों में कोर बैंकिंग ही हो चुका है, पहले मैनुअली होता था, बट अब सारे बैंक जो है वो आपके कोर बैंकिंग पे चल रहे हैं। तो CBS एक्चुअली होता क्या है? तो CBS मीन्स इंटरकनेक्टिविटी अमोंग बैंक्स, अमोंग बैंक ब्रांचेस। दिस वे ए कस्टमर व्हेन ओपन अकाउंट्स इन ए बैंक्स ब्रांच देन ही या सी कैन डू बैंकिंग इन दैट बैंक फ्रॉम एनी ब्रांच, नॉट फ्रॉम ए पर्टिकुलर ब्रांच। तो जब आप इसको देखोगे, जब कोर बैंकिंग हो गया तो आप किसी भी बैंक में अकाउंट, जैसे आप एक बैंक में अकाउंट खुला लिए, अब उस बैंक को आपकी आपकी ट्रांसफर कहीं और हो गई, तो आपका अकाउंट तो जरूरी नहीं आप यहाँ तो हो नहीं, तो आप क्या करोगे? अकाउंट बंद तो नहीं करोगे, तो इसी अकाउंट को आप किसी अदर ब्रांच में भी उसको आप एक्सेस करते हो। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द CBS सिस्टम, CBS सिस्टम। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ESMA? व्हाट इज ESMA? ESMA का फुल फॉर्म क्या होता है? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। सो व्हाट इज द पर्पस? सो दिस इज एन एक्ट टू मेक श्योर एसेंशियल सर्विसेज शुड नॉट स्टॉप इट एनी कंडीशंस लाइक हेल्थ केयर etc. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EME? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको नोट करेंगे। EME क्या होता है? इमरजेंसी मार्केट इकोनॉमी, इमरजेंसी मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IBA? IBA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और कब बना था ये? फॉर्मड इन 1946। और चेयरमैन कौन है अभी? करंट चेयरमैन मिस्टर रजनीश कुमार, रजनीश कुमार को हम जानते होंगे, ये SBI के चेयरमैन भी है, चेयरमैन ऑफ SBI एंड IBA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NABARD? तो NABARD का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन NABARD के पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख कर जाए, ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होता कि कोई भी एग्जाम, तो SSC ले लो, बैंक ले लो, रेलवे ले लो, हर जगह NABARD का फुल फॉर्म पूछते हैं। तो NABARD का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। आखिर NABARD है क्या? NABARD एक बैंक है, NABARD कुछ नहीं है, NABARD एक बैंक है। अब NABARD एस्टेब्लिश कब हुआ था? एस्टेब्लिश हो गया था आपका 1982 में,
और किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था ये, तो शिवा रमन कमेटी के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, ठीक है। और करंट चेयरमैन कौन है अभी, करंट चेयरमैन कौन है अभी, गोविंदा राजुलू। गोविंदा राजुलू इसके अभी करंट चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनपीए। एनपीए आपको पता होगा, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर आप इकोनॉमिक्स में कहीं भी आपको ये चीज़ मिलता है एनपीए, बहुत आप सुना होगा आपने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो डिफॉल्ट में क्या होता है, आप 90 डेज के जब लोन होते हैं ना, जब आप 90 डेज तक डिफॉल्ट हो जाता है, तो उसके बाद डिफॉल्ट का क्या होता है, द इन डिफॉल्ट फॉर 90 डेज द लोन विल बी कॉल्ड एनपीए। जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और आप 90 डेज तक वो डिफॉल्ट हो जाता है ना, तो आपका वो एनपीए कहलाता है। दैट इज कॉल्ड यू कैन से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीआरएआर। तो सीआरए क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क एसेट एसेट्स रेशियो। तो सी आर ए आर इज ऑल्सो नॉन एज कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो, इट इज ऑल्सो नॉन एज कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो। फॉर कैलकुलेशन डिवाइड बैंक्स टोटल कैपिटल टू इट्स राइट वेटेड एसेट्स, राइट वेटेड एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पीपीसी इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पूछता है कि पीपीसी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। तो टू गुड्स डिनोटेड ऑन टू एक्सिस, टू गुड्स डिनोटेड ऑन टू एक्सिस टू रिजल्ट इन थर्ड प्रोडक्ट। मतलब आप जब दो, जो भी गुड्स है, दो गुड्स का जब आप टू एक्सिस पे लेते हैं, तो जो तीसरा रिजल्ट बनता है, मतलब थर्ड एक्सिस जो बनेगा आपका, दैट इज कॉल्ड एज द पीपीसी। जो कर्व बनता है आपका तीसरा, उसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पीपीएस, व्हाट इज पीपीएस। तो फुल फॉर्म ऑफ पीपीएस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज सेट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। हम पीपीए था उधर, अब यहां पीपीएफ, पीपीएफ होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईईटी। ईईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल। तो ईईटी मींस इन्वेस्टर विल एंजॉय टैक्स एग्जेम्प्शंस टू टाइम्स, फर्स्ट व्हाइल इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड व्हेन रिटर्न विल कम देन अगेन सम रिबेट इन टैक्स। तो ईईटी जो ईईटी का मीन्स क्या होता है कि जब आप जो आप इन्वेस्टर हो सपोज करो, तो आप दो टाइम आपको बैंक से एग्जेम्प्शन मिलता है, एग्जेम्प्शन मिलता है। फर्स्ट क्या होता है आपका, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस वक्त एक टाइम में दिया जाता है आपको, और जो सेकेंड टाइम होता है जब आप रिटर्न करते हो, जैसे कि आप रिटर्न करते हो, तो उस समय भी आपको कुछ रिबेट टैक्स में दिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ईईटी जो होता है वो एक कस्टमर्स को या एक इन्वेस्टर्स को टू टाइम्स दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एमआरएस। तो एमआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो रेट एट विच वन टाइप ऑफ गुड कैन बी क्वाइट एंड अनदर वन बी यूज्ड। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे कहता है रेट, वह रेट कि कौन सा रेट, विच वन टाइप, जिस टाइप पे एक टाइप का जो होता है गुड्स होता है उसको आप क्वेट कर देते हो, और सेकंड जो दूसरा टाइप का जो आपका रेट होता है उसको आप यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एमआरटी। एमआरटी क्या होता है, एमआरटी होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टीवीसी। टीवीसी क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टीएफसी। टीएफसी क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसएसी। एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। फुल फॉर्म ऑफ सैक इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट इज एफ सी सी बी, व्हाट इज एफ सी सी बी, एफ सी सी फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल बॉन्ड. सो व्हाट आर दीज आर बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनी टू रेज फंड इन एनी फॉरेन करेंसी, इन एनी फॉरेन करेंसी. ये जो बॉन्ड होते हैं वो कंपनी द्वारा इशू किया जाता है. क्यों, जब आप रेज को फंड कर रेज फंड करते हो तो किसी भी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी है, जैसे आप डॉलर है, यूरो है, दिनार है, तो आप उसे जब कन्वर्ट करते हो ना, तो उसके लिए जब कंपनी आपको जो बॉन्ड इशू करती हो, डैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एफ सी सी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जी डी आर इन इकोनॉमिक्स. जी डी आर क्या होता है, जी डी आर होता है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट. सो व्हाट इज दिस, सो दिस इज अ रिसिप्ट इशूड बाय बैंक टू बाय शेयर इन फॉरेन कंपनीज, बाय शेयर इन फॉरेन कंपनी. ये आपका एक ना रिसिप्ट होता है, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा इशू किया जाता है. कब, जब आप कुछ शेयर खरीदते हैं किसी फॉरेन कंपनी, जैसे विदेशी कंपनी में कुछ भी खरीदते हो शेयर, तो उसके द्वारा जो बैंक बैंक के द्वारा एक रिसिप्ट इशू होता है, डैट इज कॉल्ड द जी डी आर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एल आर ए सी, व्हाट इज एल आर ए सी. एल आर सी क्या होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ हुडको, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ हुडको, एच यू डी सी ओ. फुल फॉर्म इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एच यू डी सी ओ, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. सो इट्स हेडक्वार्टर इज, इट्स हेडक्वार्टर इज दिल्ली एंड इस्टेब्लिश्ड इन, एंड इट इस्टेब्लिश्ड इन 1970. एंड करेंट चेयरमैन, करेंट चेयरमैन, करंट चेयरमैन इज एम नागराज. एम नागराज इज द करंट चेयरमैन ऑफ द एच यू डी सी ओ, दैट इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आर टी एस, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आर टी एस, रिटर्न टू स्केल. व्हाट इज फुल फॉर्म आर टी एस इज रिटर्न टू स्केल. सो दिस टर्म इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न वेन स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजेज. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एफ पी ओ, व्हाट इज एफ पी ओ. एफ पी ओ इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. एफ पी ओ फुल फॉर्म इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. सो व्हाट इज दिस, दिस टाइप ऑफ स्टॉक इज यूज्ड आफ्टर आई पी ओ और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आई आर, आई आर एस, व्हाट इज आई आर एस. आई आर एस फुल फॉर्म इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. What is the full form of IRS is increasing returns to scale. Next question is what is the full form of ICIC, what is the full form of ICICI. आपने सुना भी होगा ऐसे ऐसे बैंक है ये, बट इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कभी आपने जाना. इसका फुल फॉर्म ये होता है कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर इसका है आपका मुंबई में. इसका फुल फॉर्म का, इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में. और करेंट चेयरमैन आपके कौन है इसके, अभी इसके करेंट चेयरमैन है आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, गिरीश गिरीश चंद्र चतुर्वेदी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी आर एस. सी आर एस क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी आर एस. CRS होता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRS. तो DRS का फुल फॉर्म क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज MRPL इन इकोनॉमिक्स, MRPL इन इकोनॉमिक्स. तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MRPL, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. सो व्हाट इज दिस, एक्स्ट्रा रेवेन्यू डैट कम्स व्हेन एन एडिशनल वर्क फोर्स इज पुट ऑन वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज VMPL, व्हाट इज VMPL. फुल फॉर्म VMPL इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. फुल फॉर्म ऑफ VMPL इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज GNP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNP. GNP मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. तो GNP इज इक्वल टू GDP प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड. तो GNP इज इक्वल टू
जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीडीपीएम. फुल फॉर्म ऑफ जीडीपीएम इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. सो इट इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस डोमेस्टिक कैपिटल प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. तो किसके बराबर होता है? तो ये आपका जो जीडीपीएमपी होता है, ये आपका जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितना कंजम्पशन होता है प्लस डोमेस्टिक कैपिटल प्लस नेट एक्सपोर्ट जितना आपका नेट आयात हो रहा है, ये तीनों का आप जोड़ देंगे ना तो वो आपका टोटल हो जाएगा किसमें? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, दैट इज इक्वल टू जीडीपीएमपी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीडीएफपीएफसी. तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एनएनपीएमपी. फुल फॉर्म क्या होता है इसका? नेट कैपिटल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनडीपी. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनडीपीएमपी. एनडीपीएमपी फुल फॉर्म क्या होता है इसका? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पीडीआई इन इकोनॉमिक्स. व्हाट इज पीडीआई इन इकोनॉमिक्स. तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. सो दिस इज द रेस्ट इनकम आफ्टर रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स. दिस इज द रेस्ट इनकम आफ्टर रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एलआरआर. व्हाट इज एलआरआर इन इकोनॉमिक्स. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लीगल रिजर्व रेशियो. लीगल रिजर्व रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीआईसी. जीआईसी क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में. और इस्टेब्लिश कब किया गया था ये? 1972 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओएमओ इन इकोनॉमिक्स. व्हाट इज ओएमओ इन इकोनॉमिक्स. तो करेक्ट इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज एक्टिविटी ऑफ आरबीआई टू गिव लिक्विडिटी टू करेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एपीसी इन इकोनॉमिक्स. व्हाट इज एपीसी इन इकोनॉमिक्स. तो करेक्ट उसका आंसर होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज कॉल्ड एपीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आईएफटीयू. व्हाट इज आईएफटीयू. द करेक्ट ऑप्शन इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन. व्हेन इट इज फाउंडेड. इट इज फाउंडेड इन ईयर 1999 एंड हेडक्वार्टर इज एम्स्टर्डम. एंड हेडक्वार्टर इज एम्स्टर्डम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ एमपीसी. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एमपीसी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंज्यूम. ऑन अदर हैंड एमपीएस स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आईपीईसी. आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर. इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बीओपी. व्हाट इज बीओपी? बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो दिस इज द बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एनी कंट्री. दिस डिनोट्स वेदर कंट्री इज इन प्रॉफिट और लॉस इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. ये एक्चुअली बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो ये एक तरह का एक बैलेंस होता है.
तो किस में, जब आप आयात और निर्यात करते हो किसी चीज़ में तो उसका एक बैलेंस होता है किसी कंट्री के बीच में। ये क्या दर्शाता है कि आपके इस आपका जो कंट्री है जो बिजनेस कर रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, उसमें कंट्री को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट यूज़ करते हैं। सो यू कैन से बी ओ पी इज़ यूज इन द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट फ्रॉम एनी कंट्रीज एंड इट डिनोट्स वेदर कंट्री इज इन प्रॉफिट और लॉस इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज पी 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 ट्रिपल पी। तो वट इज पी पी पी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज फुल फॉर्म ऑफ एन डबल ई आर, एन डबल ई आर, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट दैट इज एन डबल ई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज फुल फॉर्म ऑफ एफ डी आई, वट इज फुल फॉर्म ऑफ एफ डी आई, दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, पॉपुलर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। What is FDI? FDI is classified as vertical and horizontal. Singapore is the country with maximum FDI in India. RBI websites gives complete details of investment sector wise as well as country wise. Next question is what is full form of BIFR? What is full form of BIFR? So BIFR kya hota hai? Board of Industrial and Financial रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। वट इज फंक्शन, फंक्शन इज टू फाइनेंस एंड लुक आफ्टर कंपनीज डेट आर इन लॉस। इसका काम होता है BIFR का कि देखभाल करना किसका, कंपनियों का, कि वो नुकसान में तो नहीं जा रही है। मतलब आप जो फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती है कंपनीज का उसको लुक आउट करना, यानी देखभाल करना उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट इज CAC, वट इज CAC? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, दैट इज यू कैन से इन शॉर्ट CAC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज फुल फॉर्म ऑफ CII, वट इज फुल फॉर्म ऑफ CII? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका CII का? दिल्ली में है। और इस्टेब्लिश कब किया गया था? ये इस्टेब्लिशमेंट था 1895 ईस्वी में। इट इज स्पेसिफाइड इन ईयर 1895 एंड हेडक्वार्टर इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CMIE, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ CMIE? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। हेडक्वार्टर इज मुंबई, हेडक्वार्टर इज मुंबई एंड इस्टेब्लिश इज 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ क्रिसिल, व्हाट इज क्रिसिल? CRISIL। क्रिसिल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिसिल? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो करेंट CEO इज आशु श्यास एंड हेडक्वार्टर इज मुंबई। दिस रेटिंग एजेंसी हैज शेयर इन SBI 2। तो करेंट इसका CEO कौन है अभी? इनके CEO हैं अभी करंट CEO आशु सुयास, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन व्हाट इज EFTA, व्हाट इज EFTA? सो फुल फॉर्म ऑफ EFTA इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? EFTA का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और ये फाउंडेड कब किया था, कब फाउंड हुआ था? ये फाउंडेड इन 1960, फाउंडेड इन 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ EPCG, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ EPCG? तो EPCG फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। सो दिस एजेंसी वर्क्स फॉर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एजेंसी? सो दिस एजेंसी वर्क्स फॉर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is ESCAP? ESCAP, what's the full form? ESCAP, Economics and Social Commission for Asia and Pacific. Economic and Social Commission for Asia and Pacific. So when it is founded? It is founded in 1947 and headquarters is Thailand.
हेडक्वार्टर इज थाईलैंड. इट इज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1947 व्हेन योर कंट्री व्हेन द इंडिया गेट गॉट द इंडिपेंडेंस एंड द हेडक्वार्टर इज थाईलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ EXIM बैंक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. EXIM बैंक व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EXIM बैंक. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक. तो वेयर इज हेडक्वार्टर इज मुंबई. हेडक्वार्टर ऑफ EXIM बैंक इज मुंबई एंड एस्टेब्लिश्ड इन 1982 एंड करेंट CEO इज डेविड रस क्यूनाखा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ FCCB. What the full form of FCCB? What the correct option is? Option A, Foreign Currency and Convertible Bond. So this is the bond issued by company in currency other than domestic currency. Next question is, what is full form of FICCI? Correct option is option A, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. So full form of FICCI is Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. So it is founded in 1927 and headquarter is New Delhi. Next question is what is the full form of IBRO? IBRO. What is the full form of IBRO? International Bank Research Organization. So what is the full form of IBRO? International Bank Research Organization. So option B is the correct option. Next question is what is the full form of IDA? What is the full form of IDA? IDA stands for International Development Association. International Development Association. So IDA is a part of World Bank and the headquarter is at Washington. तो ये एक वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट होता है IDA. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन DC में. वाशिंगटन DC. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ IFCI? व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ IFCI? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सो करेंट सीईओ इज इमानदी शंकर. करेंट सीईओ इज इमानदी शंकर एंड हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली एंड एस्टेब्लिश्ड इज 1948. सो व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ IFCI? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इसके भी करेंट सीईओ कौन है? इमानदी शंकर. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में. और ये एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1948. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ NDC? व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ NDC? NDC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज SAARC? ये आप लोगों ने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अक्सर SAARC की बैठक होती रहती है. तो फुल फॉर्म ऑफ SAARC इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका SAARC का? काठमांडू नेपाल. कब फाउंड किया गया था? 1985 में. कहाँ फाउंड किया गया था? ढाका में. तो ये इनका अभी करंट जो हेडक्वार्टर इसका है वो काठमांडू में है. और जब ये इस्टेब्लिश किया गया तो 1985 में, तो बांग्लादेश ढाका में किया गया था. और अभी करंट सेक्रेटरी कौन है इसके? करंट सेक्रेटरी जनरल है इसके इसाला वीरा कून. इसाला के सेक्रेटरी जनरल जो अभी करंट में है वो है इसाला विराकू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लीवर? LIBOR. व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ LIBOR? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट. सो LIBOR इज ए बैंक मार्च इंटरेस्ट रेट फॉर इंटरनेशनल बैंक्स टू ईच अनदर इन द इंटरनेशनल मार्केट.
another in the international market. Next question is, what is full form of UNDP? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेंगे प्लीज इसको कॉपी में. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी? यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसके जो अभी करेंट हेड हैं आपके वो कौन है? एचिम स्नायर, एचिम स्नायर. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में. सो फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इट इज द एंड द करेंट हेड ऑफ यूएनडीपी इज अचिम स्टेनायर एंड द हेडक्वार्टर इज न्यूयॉर्क. हेडक्वार्टर इज ऑफ एट न्यूयॉर्क. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट 82 इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स एब्रिविएशन विच हैज बीन आस्क्ड इन एवरी एग्जामिनेशन, नॉट ओनली द सिंगल एग्जामिनेशन, ऑल द कंप्यूटर एग्जामिनेशन. वन और टू और थ्री क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फिक्स फिक्स थ्री टू और थ्री क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एवरी एग्जामिनेशन. सो आप लोग प्लीज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप प्लीज कॉपी में नोट कर लेंगे और आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए शुरू से लास्ट तक. और आपको जरूरी नहीं है कि सारा चीज़ आपको समझना है इसमें से, फुल फॉर्म में कोई समझना नहीं होता है, बट आप इसको एक क्योंकि 82 क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ 82 क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और आपके जितने भी एग्जाम्स हैं ना कंप्यूटर एग्जाम सारे में सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. सो जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर प्लीज़ नए आए हैं हमारे चैनल के कंटेंट को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ताकि और आपके फ्रेंड्स को भी कुछ फ़ायदा हो जो कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एग्ज़ाम देने वाले हों या फिर कोई स्टूडेंट्स हैं. तो इकोनॉमिक्स सबके लिए कॉमन होता है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा. तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. अब हम अगला टॉपिक आपके लिए जो लाएंगे, बहुत बच्चों ने बोला कि सर मेरा इंग्लिश वीक है तो आपने कुछ इंग्लिश के लिए वीडियो बनाया, तो मैंने कंसिडर किया उस चीज़ को, बट आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि इंग्लिश में आपको इंग्लिश भी कैसे स्ट्रॉन्ग कराना है आपको, क्योंकि हर जगह इंग्लिश मैंडेटरी है. आप हिंदी में हर जगह काम नहीं कर सकते, सो इंग्लिश मैंडेटरी लैंग्वेज. सो एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश और एटलीस्ट ट्राई टू present yourself in the English. So thank you everyone watching this video. Please like, subscribe and share the content.